आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, तो हमसे पूछ रहे हैं एफ ऑफ 2 ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, राइट? तो बेसिकली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2 ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इन टर्म ऑफ इन प्लेस ऑफ ए, है ना? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। चार ऑप्शन में दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है। एफ ऑफ क्या बताना है हमें, 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बताना है ना? तो ये किसके बराबर होगा? देखिए मैं एज इट इज जो हमारा यहाँ फंक्शन दिया है उसमें a की जगह क्या लिखने जा रहा हूँ, 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, राइट? दिस विल बी होल डिवाइडेड बाय, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना? तो अब देखिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a होल अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये एक फंक्शन है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें देखिए एक चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट स्ट्रेट अवे, और क्या आंसर आ जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, है ना? अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का टर्मिनोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है ना? ध्यान से देखिए, b की जगह यहां पे क्या लिख दूं मैं, 1 लिख देता हूं, तो यही चीज आ जाएगी। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा log ऑफ a प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना? विच विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए पावर एम कैन बी रिटन एज एम लॉग ऑफ ए, है ना? लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स लॉग ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1, राइट? ओके, तो अब देखिए व्हाट वी कैन सी हेयर इज ए माइनस 1 लिख दिया मैंने, ओके 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 ओके, सब कुछ सही जा रहा है। अच्छा देखिए, अब जो हमारा आंसर है, हमारे आंसर में 1 माइनस ए लिखा हुआ है, राइट? है ना? तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको यहां इस केस में a प्लस बी में, है ना, इसमें a को 1 मान लेते हैं और b को मान लेते हैं a, है ना, ताकि हमारा ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग a प्लस 1 वी शुड राइट 1 प्लस a एंड 1 माइनस a, अभी भी सेम ही चीज है। देखिए ये a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a बनाएगा, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा लिख के, यहां पे लिखकर आ जाएगा 1 माइनस a, ओके? दोनों तरीके सही हैं, बट इस तरीके से हमारा आंसर क्वेश्चन जो मांग रहा है वो हमें मिल जाएगा 1 माइनस ए। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, है ना? सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ हो, तो इस वजह से वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आर ऑप्शन, है ना? ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।